हाँ बच्चों, तो जैसा कि लग रहा था कि शाम तक ज़रूर कोई बड़ी घोषणा होगी, प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया है, देश के प्रधानमंत्री जी ने, कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए या बच्चों के भविष्य के लिए सिर्फ उनकी जान को जोखिम में नहीं डाला जाएगा, स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाला जाएगा। तो एक बहुत बड़ी ये खबर है, बच्चों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है, उनके पेरेंट्स के लिए भी और स्कूल टीचर, हमारे जैसे स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए भी, क्योंकि हम भी परेशान थे, बच्चे भी परेशान थे, माँ बाप भी परेशान थे पिछले 2 3 महीने से, मार्च से अप्रैल मई अभी जून आ गया, कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, कितना पढ़ें, क्या रिवाइज़ करें, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब बच्चों को आगे का अपना कॉलेज के लिए, अपनी आगे आने वाले जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनको तैयारी करने का, उनका माइंडसेट उधर ले जाने के लिए उनको मौका मिलेगा। तो ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए कि बोर्ड एग्ज़ाम 12th क्लास के कैंसिल हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने खुद आगे बढ़ के ये फैसला किया है और सभी राज्यों के साथ विचार विमर्श करके ये फैसला लिया गया है। ज़रूरी भी था लगता है इस कोरोना महामारी को देखते हुए, एक जैसा कि मई के फर्स्ट वीक से लेके और सेकेंड वीक तक, 20 मई के आसपास तक, जैसा विकराल रूप इसने दिखाया, बहुत सारे हज़ारों लोग काल के ग्रास में गए, तो देखते हैं प्रभाव क्या पड़ता है इस फैसले का भविष्य को आगे, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। पर अब फिलहाल आप लोगों के लिए न्यूज़ यही है, खबर यही है कि आपकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक रहेगी अब आने वाले समय में, कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए और अब आप अपने आगे की तैयारी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए, तो आगे मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार क्या करना है, कैसे बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे अब आपको और फ्यूचर में क्या करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।